एक बार फिर से मचेगी KGF के जी एफ चैप्टर वन की धूम के थिएगा चैप्टर स्टूडियोज में दिखाई देंगे और आज चैप्टर सोनी का टीजर रिलीज रिलीज क्यों नहीं किया गया अब कब किया जाना है के जी एफ चैप्टर वन और के जी एफ चैप्टर टू बस इस वक्त दर्शकों के मुंह में सिर्फ यही फिल्मों के नाम ज्यादातर सुनाई दे रहे हैं कि फिल्मानी का फिल्मानी है, फिल्म है और आप के जी एफ चैप्टर टू का जोश देकर सिनेमाघरों में एक बार फिर से सुपरस्टार यश की फिल्म लगाई जा रही है के जी एफ चैप्टर वन और जैसे ही लोगों ने सोचा और सुना तो वैसे ही लोगों में धूम मच गई खुशी की लहर दौड़ पड़ी सोचिए जो फिल्म लोगों ने देख दी है उसको फिर से थिएटर में देखने के लिए भी लोग इतने एक्साइटेड है तो आप सोचते हैं कितना भयंकर बस होगा उस के जी एफ चैप्टर टू का के जी एफ चैप्टर टू जल्दी आने वाली है और दशहरे के मौके पर कहा गया था इसका इसका टीज़र रिलीज किया जाएगा अब क्यों टीजर रिलीज नहीं किया गया वो भी मैं आपको बताऊंगी फिलहाल आपको बता दूं क्यों की जा रही है केजीएफ चैप्टर 1 रिलीज ये सोशल मीडिया से खबर आई है ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 को एक बार फिर से पर्दे पर जारी किया जा रहा है एक हफ्ते के लिए पीवीआर आईनॉक्स और सिनेपोलिस सिनेमा घरों में दिखाई जाएगी रितेश सिधवानी ने ट्वीट किया है उन्होंने लिखा है मास्क दूरी एक्शन #KGFChapter1 को 23 से उनतीस अक्टूबर तक आपके पास के सिनेमाघरों में दोबारा दिखाया जाएगा दरअसल ये इसीलिए क्या किया जा रहा है क्योंकि अभी सिनेमाघरों को कोई भी जल्दबाजी नहीं हो रही है अपने थिएटर्स खोलने की क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण दर्शक बहुत कम है सिनेमाघर के ओनर्स दर्शकों के बीच विश्वास और फिल्म के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए थिएटर्स में पुरानी और सफल फिल्में लगा रहे अब इससे अच्छी पुरानी और सफल फिल्म कौन होगी एक करोड़ के बजट में इसे बनाया गया था ढाई करोड़ की कमाई की जीरो को टक्कर दे दी थी शाहरुख खान यानी कि यश ने शाहरुख खान को उस वक्त टक्कर दी थी तो भयंकर ये फिल्म है और अब इसके जो कीजिए चैप्टर टू है उसका इंतजार हो रहा है हाल फिलहाल में बहुत सारे वैसे तो टीज़र और ट्रेलर रिलीज़ किए गए पहले राधे श्याम का मोशन पोस्टर ट्रिपल आर का और इन दोनों फिल्मों ने इतना बस बना लिया तब से लोगों को यही इंतज़ार था कि यार अब सब देख लिया अब के चैप्टर टू का टीज़र और ट्रेलर मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए तो ऐसा ही कुछ होने वाला था कहा गया था कि दशहरे में यानी कि आज अकल फिल्म या कल में फ़िल्म का टीज़र या ट्रेलर रिलीज़ किया जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं अब जब मेकर्स से पूछा गया तो पता है मेकर्स ने क्या कहा उन्होंने कहा है कि पहले फ़िल्म को हम कंप्लीट करेंगे शूटिंग कंप्लीट होगी तभी जाकर वो टीजर या ट्रेलर काटेंगे उससे, मतलब कि रिलीज करेंगे अब संजू बाबा ने कहा है कि वो जल्द से जल्द ज्वाइन करेंगे तो नवंबर तक कहा जा रहा है कि इसका शूट पूरा खत्म किया जाना है यानी कि दिसंबर में हो सकता है कि आपको टीजर और ट्रेलर देखने को मिले अभी इंतजार थोड़ा सा और करना पड़ेगा और फिल्म रिलीज तो इस साल नहीं होगी ये तो कन्फर्म हो चुका है रिलीज अगले साल ही की जानी है के जी एफ चैप्टर टू फिलहाल हमें तो बड़ा इंतज़ार हो रहा है इसके टीजर और ट्रेलर का क्योंकि सभी को लग रहा था ख़बरें आ गई थी पच्चीस अक्टूबर वो दिन होगा जब रिलीज़ किया जाएगा लेकिन अब तक कोई भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो दोस्तों आपको कितना इंतज़ार है के जी एफ़ चैप्टर टू के रिलीज़ होने का और आप कितने एक्साइटेड हैं यार थिएटर्स में लग रही है के जी एफ चैप्टर वन फिर से क्या आप देखने जाएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के दूसरे वीडियोज़ के लिए बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को